जैसे इसके हाथ में बैलून है। हाँ भाई दिखा, डर तो नहीं रहा है ना? इंश्योरेंस करवाया? अच्छा इंश्योरेंस नहीं करवाया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मगर मुंह नाक कान खराब हो जाए तो फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, है ना? अब मैं यहाँ पे इसको बर्न कर रहा हूँ, देखना क्या होगा। कितने सेकंड में फटा बता, कितने सेकंड में, कितने सेकंड में? बहुत कम। इसका बता क्या होगा? तू घबरा रही है? हाँ तू घबरा रही है। ऐसे ऐसे कर, ऐसे कर, हाँ ऐसे कर, मेरे पे भरोसा है? हाँ मत कर, फिजिक्स पे करना। ये क्या हुआ? हाँ पक्की बात नहीं फूटेगा क्या? क्या जब तक पानी, जब तक पानी, जब तक पानी कुछ होगा नहीं। इतना टाइम, अरे भाई इसमें तो चाय बना लेना तू घर जाके आज। अगर चाय का बर्तन नहीं मिल रहा इसी में बना लेना, दूध डाल दे, देख पानी गर्म हो गया होगा अंदर से। अच्छा ये बैलून की औकात ही कितनी होती है? इसमें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फूट गया, इसमें तो फूट ही नहीं रहा। तो इसके अंदर क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का होता है बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो वो क्या कर रहा है, हीट ले रहा है लेकिन गर्म नहीं हो रहा है। अच्छा जैसे एग्जांपल देखा होगा, जो हम पतीला बोलते हैं ना उस पे, जिस पे चाय बनाते हैं, छोटा सा सस्पेंड होता है जो, उसको तुम बिना पानी के डाल दो स्टील के सस्पेंड को, 2-3 मिनट में वो लाल हो जाएगा एकदम गर्म होके। लेकिन अगर पानी डाल के करोगे तो लाल नहीं होता। क्या कर रहा है वो, हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या कर रहा है, इस बैलून को हम जब हीट दे रहे थे तो एयर के कंडीशन में वो पूरा हीट अब्सॉर्ब किया और अचानक से ब्रस्ट हो गया विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इसमें क्या होगा कि जब हम हीट दे रहे हैं तो इसको ट्रांसफर कर रहा है ये वाटर को, और वाटर बहुत हीट लेके गर्म कम होता है। इसी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा है।